हेलो दोस्तों, अक्षय वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही रहस्यमय घटना के बारे में, जिसे कहा जाता है द बाल्टिक सी एनोमली। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा। दरअसल बात यह है कि मेरे दूसरे चैनल पर थोड़ी दिक्कत आ गई है, इसी वजह से मैं अपने दूसरे चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अपने दूसरे चैनल पर पड़े सभी वीडियोज़ को भी डिलीट करने वाला हूँ। हालाँकि अभी तक मैंने अपने दूसरे चैनल पर सिर्फ 2 वीडियो ही अपलोड किए हैं, लेकिन उन 2 वीडियोस को बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इसलिए मैंने सोचा है कि उन वीडियोस को डिलीट करने से पहले मैं उनको अपने मेन चैनल पर अपलोड कर दूं, ताकि मेरी रिसर्च और मेहनत बर्बाद ना जाए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं व्लॉगिंग की वीडियो बनाऊँ तो क्या आप लोग वो देखना पसंद करेंगे? दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग वीडियो बनाकर आपको अपने और अपने दोस्तों के साथ हुई पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताऊँ। इसके अलावा मैंने सोचा है कि मैं लखनऊ और उसके आसपास की हॉन्टेड जगहों को विजिट करूं और ये पता करूं कि क्या वहां पर असलियत में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है भी या नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा आप लोगों से सवाल, जिसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आखिर व्लॉगिंग वाली मेरी सोच के बारे में आपका क्या मानना है। और एक आखिरी बात मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे दूसरे चैनल अक्षय 2 पर बाल्टिक सी एनोमली वाला वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये वही सेम वीडियो है जिसे मैं अपने दूसरे चैनल पर डिलीट करने से पहले अपने मेन चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों, मैं 3 से 4 दिनों में एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि बिल्कुल असली और बहुत ही रहस्यमय घटना पर बेस्ड होगा। तो इतनी देर तक मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। द बाल्टिक सी एनोमली। सबसे पहले तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूँगा। देखिए ये फोटो, ये फ़ोटो समंदर में डूबी एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ की है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज़ का आकार काफ़ी बड़ा है। वैसे तो ये चीज़ दिखने में किसी हाईटेक स्पेसशिप जैसी लगती है, लेकिन दुनिया भर के ज़्यादातर वैज्ञानिक इस चीज़ को पत्थर और चट्टान से बना एक ढेर बताते हैं। समंदर में डूबे इस रहस्य को ही कहा जाता है द बाल्टिक सी एनोमली, और आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा समंदर की गहराइयों में छिपे एक ऐसे रहस्य के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। वैसे तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अभी तक इंसान दुनिया में मौजूद समंदर का सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर कर सका है। बाकी का 80% समंदर ऐसा है जिसके बारे में हम इंसानों को कोई भी जानकारी नहीं है। और आज जिस रहस्यमय चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो रहस्यमय चीज़ भी समंदर की गहराइयों में ही मिली थी। दरअसल दोस्तों, स्वीडन देश में ओशनएक्स टीम नाम की एक कंपनी है, जो कि समंदर में डूबे हुए पुराने जहाज़ों और समंदर में ही पाए जाने वाली और भी दूसरी कीमती चीज़ों की खोजबीन करती है। पहली बार इस कंपनी का नाम मीडिया में तब हाईलाइट हुआ था जब इस कंपनी ने साल 1992 में समंदर में डूबे अमेरिका के एक B-17 बॉम्बर लड़ाकू फाइटर जेट के मलबे को ढूंढ निकाला था। ओशनएक्स टीम ने पहले भी पुराने ज़माने के समंदर में डूबे हुए कई पानी के जहाज़ों का पता लगाया है, और इसी तरह एक बार इस डीप सी एक्सप्लोरर यानी कि समंदर की गहराइयों में खोजबीन करने वाली ओशनएक्स टीम कंपनी ने बाल्टिक सी में एक कार्गो शिप के मलबे का पता लगाया था। इस बड़े से सामान ले जाने वाले शिप को साल 1916 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की जल सेना ने समंदर में ही मार के डुबो दिया था। इस शिप के साथ ही 2 और कार्गो शिप को भी जर्मनी की सेना ने मार के बाल्टिक सी में ही डुबो दिया था। उन तीनों शिप में बहुत ही महंगी महंगी विस्की और शराब वगैरह थी, जो कि एयर टाइट कंटेनर में बंद थी। ओशनएक्स टीम उन तीनों शिप के मलबे को ढूंढकर उनमें पड़ी हुई शराब को अच्छे दाम पर बेच देना चाहती थी, जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता। सोचने वाली बात यह है कि ओशनएक्स टीम अपने इस काम में सफल भी रही थी, क्योंकि साल 1997 में ओशनएक्स टीम कंपनी ने बाल्टिक सी की गहराइयों में पहले विश्व युद्ध के दौरान मारकर डुबो दिए गए एक कार्गो शिप का मलबा ढूंढ निकाला था। फिर ओशनएक्स टीम ने उस शिप के मलबे में मिली पुरानी शराब की बोतलों को बेचकर बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमाया था। इसी बात से खुश होकर ओशनएक्स टीम बाल्टिक सी में ही बाकी के 2 और शिप का मलबा भी ढूंढने निकल पड़ी थी। तो साल 2011 को ओशनएक्स टीम ने बाकी के 2 शिप्स का मलबा ढूंढने के लिए अपना सर्च ऑपरेशन बाल्टिक सी के उस हिस्से में चलाया था जो कि फिनलैंड और स्वीडन देशों के बीच में पड़ता है। ओशनएक्स टीम बाल्टिक सी में एक बड़े से पानी के जहाज से सोनार इमेजरी के जरिए समंदर की तलहटी में डूबे हुए शिप का मलबा खोज रही थी।
जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि सोनार इमेजरी क्या होता है। दरअसल समंदर की गहराई में डूबे हुए पानी के जहाज का पता लगाने के लिए सोनार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार डिवाइस पानी के जहाज में लगी एक मशीन होती है जिसके जरिए समंदर की तलहटी में साउंड वेव या फिर ध्वनि तरंगे छोड़ी जाती हैं। जब वो ध्वनि तरंगे समंदर की तलहटी से टकराकर वापस मशीन में आती हैं तब समंदर की गहराई में मौजूद हर चीज़ की जानकारी सोनार मशीन ऑपरेट करने वाले को हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चमगादड़ रात को उड़ते हुए अपने मुंह से ध्वनि तरंगे छोड़कर अपने रास्ते का पता लगाता है। खैर अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। तो साल 2011 की 19 जून की तारीख को ओशनएक्स टीम कंपनी ने स्वीडन और फिनलैंड देशों के बीच बाल्टिक सी की गहराइयों में सोनार इमेजरी के जरिए डूबे हुए शिप का मलबा खोजने का काम शुरू किया था। ओशनएक्स टीम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके हाथों एक ऐसी खोज होने वाली है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। दरअसल ओशनएक्स टीम जब बाल्टिक सी की गहराई में सोनार इमेजरी के जरिए डूबे हुए शिप का पता लगा रही थी तभी उनको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर समंदर की तलहटी पर पड़ी एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। ओशनएक्स टीम को समंदर की तलहटी में एक बहुत ही बड़ी गोल आकार की अजीब सी चीज़ मिली थी। वो चीज़ किसी भी एंगल से कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं थी और ना ही वो चीज़ किसी शिप का मलबा ही था। वो अजीब चीज़ 300 फुट की गहराई में समंदर की तलहटी में पड़ी हुई थी। ओशनएक्स टीम को सोनार इमेजरी के जरिए समंदर की तलहटी पर जो अजीब चीज़ दिखाई दी थी उसकी असली फ़ोटो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ़ोटो में दिख रही ये चीज़ किसी शिप जैसी नहीं लगती है बल्कि दिखने में ये चीज़ हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन मूवी के एलियन के बड़े जहाज जैसी है। जिस समय ओशनएक्स टीम ने इस रहस्यमय जहाज को समंदर की तलहटी में देखा था उस समय उनके पास समंदर के अंदर उतरकर उस चीज़ को पास से देखने के इक्विपमेंट नहीं थे इसलिए ओशनएक्स टीम को मजबूरी में वहाँ से वापस लौटना पड़ा। हालांकि अपनी इस खोज से ओशनएक्स टीम कंपनी के फाउंडर पीटर लिंडबर्ग और डेनिस अबर्ग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। बाल्टिक सी से वापस आकर पीटर लिंडबर्ग और डेनिस अबर्ग ने सोनार इमेजरी के जरिए खींची गई तस्वीरों की बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल की थी। उन तस्वीरों की जांच के दौरान पीटर और डेनिस ने पाया कि सोनार इमेजरी में दिख रही उस चीज़ का आकार कम से कम 200 फीट डायमीटर है। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उस अजीब सी चीज़ में सीढ़ियाँ और कैबिन जैसी चीज़ें भी बनी हुई हैं जो कि दिखने में काफ़ी कुछ किसी हॉलीवुड मूवी के स्पेसशिप जैसी लग रही थी। इसके अलावा ओशनएक्स टीम ने यह भी देखा कि उस अजीब ऑब्जेक्ट के पीछे 1000 फुट लंबा सपाट रास्ता भी समंदर की तलहटी में बना हुआ था। उस पूरी फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रहस्यमय चीज़ क्रैश होकर समंदर की तलहटी में गिरी हो और फिर वो चीज़ समंदर की तलहटी में 1000 फुट तक फिसलकर आगे जाने के बाद रुक गई हो। खैर ओशनएक्स टीम के मेंबर्स अपनी इस खोज को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इसलिए ओशनएक्स टीम उस रहस्यमय चीज़ की अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए दोबारा से बाल्टिक सी में उसी जगह पर गई थी जहां पर उनको वो रहस्यमय शिप मिला था। अब की बार ओशनएक्स टीम अपने साथ कई तरह की नई मशीनें भी लेकर गई थी ताकि वो अच्छे से उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की जांच पड़ताल कर सके। फिर बाल्टिक सी में दोबारा उसी लोकेशन पर पहुंचकर ओशनएक्स टीम ने कई ROVs को समंदर के अंदर उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचने के लिए भेज दिया था। ROV किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों ROV का फुल फॉर्म होता है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये एक छोटा सा रोबोट होता है जो कि केबल के जरिए पानी के जहाज से जुड़ा रहता है। इस रोबोट का इस्तेमाल समंदर के अंदर की चीज़ों की फ़ोटो खींचने में किया जाता है और इसको एक रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। तो बाल्टिक सी में पहुंचकर ओशनएक्स टीम ने अपने कुछ ROVs को समंदर के अंदर उतार दिया ताकि वो ROVs उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की अच्छे से फ़ोटो ले सकें। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि समंदर में डूबे उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट के 200 मीटर की रेंज में पहुंचते ही ओशनएक्स टीम के सभी ROVs ने अचानक से काम करना ही बंद कर दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि ओशनएक्स टीम के सैटेलाइट फ़ोन और सोनार इमेजरी सिस्टम भी वहां पर सही से काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही हाईटेक मशीन के जरिए ओशनएक्स टीम के सभी इक्विपमेंट्स को काम करने से रोक दिया गया हो। फिर जब ओशनएक्स टीम के सभी इक्विपमेंट्स सही से काम नहीं कर सके तब ओशनएक्स टीम ने अपने कुछ डाइवर्स को
डाइविंग सूट पहनाकर समंदर के अंदर उसी रहस्यमय ऑब्जेक्ट के पास भेज दिया। दोस्तों, डाइवर्स उन्हें कहते हैं जो डाइविंग सूट पहनकर समंदर के अंदर जाकर चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं। खैर, फिर जब ओशन एक्स टीम के डाइवर्स समंदर के अंदर उस रहस्यमय चीज़ या कहें कि उस रहस्यमय शिप के नज़दीक पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वो रहस्यमय ऑब्जेक्ट दिखने में बिल्कुल किसी एलियन के स्पेसशिप जैसा ही है। और यही नहीं बल्कि उस शिप में जगह जगह बिल्कुल गोल आकार के छेद भी बने हुए थे। उन छेदों को देखने से ही लग रहा था कि ये किसी प्राकृतिक तरीके से नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें किसी ने बहुत ही हाईटेक मशीन के जरिए बनाया है। इसके अलावा डाइवर्स को उस शिप पर सीढ़ियाँ बनी हुई मिली और साथ ही उस शिप पर कुछ कमरे या कैबिन भी बने हुए थे। फिर जब डाइवर्स उस अजीब से शिप के आसपास खोजबीन करने लगे, तब उनको वहाँ पर कुछ मोनोलिथ यानी कि चार कोनों वाले बड़े बड़े पत्थर के खंभे भी मिले थे। जब डाइवर्स ने पत्थर के उन खंभों की जांच की, तब उनको पता चला कि वो खंभे समंदर की तलहटी में बहुत ही गहराई तक अंदर घुसे हुए हैं। इसके बाद डाइवर्स ने उस अजीब से शिप के टुकड़ों के कुछ सैंपल ले लिए ताकि वो लैब में उसकी अच्छे से जाँच कर सकें। सैंपल लेने के बाद ओशन एक्स टीम वापस समंदर किनारे लौट आई। समंदर में डूबे उस अजीब शिप से लाए गए सैंपल को ओशन एक्स टीम ने स्वीडन देश की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेजा था। फिर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने उस शिप के टुकड़ों की जांच करके बताया कि समंदर में डूबे उस अजीब ऑब्जेक्ट के टुकड़े कुछ और नहीं बल्कि वॉल्केनिक रॉक्स यानी कि ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टाने हैं। सोचने वाली बात यह है कि समंदर के जिस हिस्से में ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट मिला है, वहाँ पर दूर दूर तक किसी भी ज्वालामुखी का कोई नामो निशान नहीं है। और ये बात स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि ये बस एक बड़ी सी चट्टान है जो कि आइस एज के समय यानी कि आज से लगभग 25,000 साल पहले यहाँ पर आकर जमा हो गई है। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उस ऑब्जेक्ट के सैंपल को ज्वालामुखी चट्टानों के टुकड़े बताकर बात खत्म कर दी। उन वैज्ञानिकों का कहना था कि ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि चट्टानों के टुकड़े मात्र हैं। ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्टीव वाइनर नाम के एक जाने माने इजरायली जियोलॉजिस्ट ने भी समंदर में मिले उस ऑब्जेक्ट के सैंपल की जांच की थी। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जियोलॉजिस्ट उन वैज्ञानिकों को कहा जाता है जो पृथ्वी की संरचना और चट्टानों वगैरह का अध्ययन करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के सैंपल की जाँच करने के बाद स्टीव वाइनर ने बताया कि उस अजीब ऑब्जेक्ट से मिले सैंपल में लाइमोनाइट और जियोथाइट नाम के दो ऐसे मिनरल या तत्व हैं जो कि मेटल यानी कि धातु होते हैं, ऐसे धातु जिन्हें प्रकृति नहीं बनाती। मतलब कि स्टीव वाइनर का मानना है कि समंदर की तलहटी में पड़ी वो चीज़ कोई प्राकृतिक चट्टान या पत्थर वगैरह नहीं है, बल्कि वो चीज़ किसी हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई कोई रहस्यमय चीज़ है। दोस्तों, बाल्टिक सी एनोमली की खोज करने के बाद ओशन एक्स टीम कंपनी के पास बजट की काफ़ी कमी हो गई थी, जिस वजह से वो इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की तीसरी बार सही से जांच नहीं कर सके। आज भी ओशन एक्स टीम कंपनी फंड जुटा रही है ताकि वो अच्छे से जांच पड़ताल करके इस रहस्य को सुलझा सके। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बाल्टिक सी में मिले उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की डिटेल में जानकारी दी। समंदर में मिले उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को कहा जाता है द बाल्टिक सी एनोमली। इस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की राय भी बिल्कुल अलग अलग है। ज़्यादातर वैज्ञानिक इसे ग्लेशियल डिपॉजिट यानी कि जमी हुई नदी या हिमनदी बताते हैं, और उनका मानना है कि ये ऑब्जेक्ट आइस एज के समय का है यानी कि आज से लगभग 25,000 साल से भी पहले का। बाकी नॉर्मल लोग इस चीज़ या फिर इस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट किसी बहुत ही पुरानी और बहुत विकसित एलियन सभ्यता का स्पेसशिप है जो कि आज से हजारों साल पहले किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया और यहाँ आकर वो बाल्टिक सी में क्रैश हो गया। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि बाल्टिक सी में क्रैश हुआ एक स्पेसशिप है जो पृथ्वी की ही किसी बहुत ही पुरानी, बहुत ही विकसित और ऐसी सभ्यता का स्पेसशिप है जिसका इतिहास में कहीं कोई भी जिक्र नहीं है और उस सभ्यता के बारे में हम इंसानों को भी कोई जानकारी नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि समंदर की गहराई में पड़ी ये रहस्यमय चीज़ एक स्पेसशिप की मूर्ति है जो कि किसी बड़े पानी के जहाज से कहीं ले जाई जा रही थी और वह मूर्ति गलती से या फिर जानबूझकर बाल्टिक सी में ही गिरा दी गई। दोस्तों, इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट के बारे में एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना यानी कि हिटलर की सेना का एक खुफिया हथियार था जिसे दुश्मन देशों के जहाज़ों को मार गिराने के लिए यहाँ लाया गया था। दोस्तों, ये सभी बातें एक तरह से बस थ्योरीज या फिर अंदाजे मात्र हैं,
जो कि लोग अपने अपने नजरिए से बताते हैं। इस रहस्य की असलियत क्या है ये कोई भी नहीं जानता, या अगर कोई इसकी सच्चाई जानता भी है तो वो किसी को भी इस रहस्य की सच्चाई बताना नहीं चाहता। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जितनी जानकारी जुटाई जाती है उतना ही ये रहस्य और भी उलझता जाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में इस मिस्ट्री के बारे में मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों, जितनी जानकारी मैंने इस ऑब्जेक्ट के बारे में जुटाई है उस हिसाब से ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट मुझे कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं लगती। पर अगर ये चीज़ कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है तो आखिर ये है क्या? इस बात को लेकर भी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये रेप्टिलियंस का शिप हो, या फिर नॉर्डिक एलियंस का, या फिर अनुनाकी का। मैं कुछ भी पक्के तौर से नहीं कह सकता। आज भी ये रहस्य एक रहस्य ही है कि आखिर बाल्टिक सी की गहराइयों में पड़ी वो चीज़ है क्या। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सब बिल्कुल जेन्युइन हैं, बिल्कुल असली हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की असली फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाई हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस तरह के वीडियो पसंद है जिनमें मैं असली रहस्यमय घटनाओं के ऊपर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूँ। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।